फ्रेंड्स, आप सबने अपनी लाइफ के अंदर जब भी कैमरा को यूज़ किया है तो कहीं ना कहीं आपने SDR का ऑप्शन देखा होगा और आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि ये SDR क्या है, व्हाट इज़ SDR। तो आज का हमारा सेशन इसी टॉपिक पे रहेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि SDR क्या है, SDR का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ इसका यूज़ हम नहीं कर सकते और किस तरह से इसे यूज़ किया जा सके। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का सेशन हम करते हैं शुरू। मैं ऋषभ और आप देख रहे हैं टेक बाय ऋषभ। फ्रेंड्स, SDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। ये एक कैमरा के अंदर इनबिल्ट फंक्शन होता है जो हमें एक अच्छी फोटोग्राफी के अंदर हेल्प करता है। और फ्रेंड्स, इसे यूज़ करके हम अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी इंटरेस्टिंग और दिखने में काफ़ी सुंदर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, SDR क्या है? SDR एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर है जिसे किसी भी DSLR कैमरा या अपने रेगुलर जो स्मार्टफोन कैमरा होता है उसके अंदर से कंबाइन किया जाता है, ताकि हम किसी भी लो लेवल की लाइट या हाई लेवल की लाइट या दोनों हाई लेवल लो लेवल की दोनों लाइट के अंदर अगर फ़ोटो को कैप्चर करते हैं तो हमारी फ़ोटो बिल्कुल क्लियर आए और उसकी जो डिटेल्स हैं वो उभर कर आएँ। अब फ्रेंड्स, SDR काम कैसे करता है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक रेगुलर इमेज है जो धूप और छांव के अंदर खींची गई है। इसके अंदर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो पोर्शन इसके अंदर धूप के अंदर है वो तो काफ़ी चमक रहा है और जो पोर्शन इसके अंदर छांव के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा डल है। तो फ्रेंड्स, ये इमेज बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की नहीं आ पाई जिसे हमने रेगुलर कैमरा से कैप्चर किया है। तो फ्रेंड्स, इसी इमेज को अगर हम पूरी डिटेल इसके अंदर शो करना चाहते हैं और अच्छी तरह से हम इसे क्लिक करना चाहते हैं, तो अगर फ्रेंड्स हम अपने कैमरा के SDR फंक्शन को ऑन करते हैं तो उसे ऑन करने का क्या इफ़ेक्ट होगा? अब जो हमारा फ़ोन सिर्फ सिंगल इमेज क्लिक कर रहा था, अब वो बैकग्राउंड एप्लीकेशन के अंदर फ्रेंड्स तीन तरह की फ़ोटो एक साथ क्लिक करेगा। फर्स्ट फोटो जो क्लिक करेगा फ्रेंड्स, वो अपैचर को बिल्कुल हाई करके, अपैचर मीन्स एज अ ब्राइटनेस लेवल, एक ब्राइटनेस की तरह है, मान लीजिए ब्राइटनेस लेवल को बिल्कुल हाई करके वो फ़ोटो खींचेगा। और एक फ़ोटो फ्रेंड्स वो ब्राइटनेस की कैमरा को बिल्कुल लो करके फ़ोटो को खींचेगा। जिस फ़ोटो को वो बिल्कुल हाई ब्राइटनेस के अंदर खींचेगा उस फोटो के अंदर फ्रेंड्स जो पार्ट फोटो का छाया के अंदर है या छांव के अंदर है वो वाला पार्ट फ्रेंड्स हमें काफ़ी डिटेल्स के अंदर दिखाई देगा। और जिस पार्ट के अंदर कैमरा की ब्राइटनेस को बिल्कुल लो करके फ़ोटो को क्लिक किया जाएगा उस पार्ट के अंदर फ्रेंड्स हमारा जो पोर्शन लाइट के अंदर था वो काफ़ी डिटेल्स के अंदर नज़र आएगा। और फ्रेंड्स, जो तीसरी फ़ोटो कैमरा हमारा क्लिक करेगा वो रेगुलर फ़ोटो होगी, जो हम पहले बिना SDR के हम फ़ोटो ले रहे थे वो रेगुलर फ़ोटो होगी। और बाद में फ्रेंड्स कैमरा का जो सॉफ्टवेयर है वो इन तीनों फ़ोटोज़ को कंबाइन करके एक फ़ोटो बना देगा और इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी भरपूर डिटेल्स। इसके अंदर आप एक एक पार्ट देख पाएंगे, छांव के अंदर जो पार्ट है और जो पार्ट धूप के अंदर है, पूरी डिटेल के अंदर फ्रेंड्स देखिए। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पहले की इमेज है जो हमने बिना SDR के क्लिक की थी और उसके बाद हमने जैसे ही SDR के फंक्शन को ऑन करके क्लिक किया इमेज को, तो फ्रेंड्स दोनों में दिन रात का फर्क आपके सामने है। फ्रेंड्स, इस तरह से करता है SDR आपके कैमरा के अंदर काम और आपकी फ़ोटो को एक देता है काफ़ी अच्छा लुक। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि SDR के फंक्शन को कब यूज़ करें और कब यूज़ ना करें और कैसे यूज़ करें और कैसे ना करें। तो फ्रेंड्स, बेसिक सी बात है, जब भी हम आउटडोर के अंदर अगर कोई फ़ोटो ले रहे हैं या इंडोर के अंदर फ़ोटो ले रहे हैं, जिस फ़ोटो के अंदर हमें लग रहा है कि दो तरह की लाइटनिंग है, एक उसके अंदर लो लेवल की लाइट है, एक हाई लेवल की लाइट है, यानी एक तरफ तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी है और एक तरफ काफ़ी ज़्यादा छांव का पार्ट है, तो उस फोटो को अगर हम रेगुलर कैमरा से क्लिक करेंगे तो फ़ोटो अच्छी नहीं आएगी। अगर उस सिचुएशन में हम SDR को ऑन करेंगे तो फ्रेंड्स वो फ़ोटो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी। और अगर फ्रेंड्स हम अगर बिल्कुल लो लाइट के अंदर, मान लीजिए लाइट का लेवल बिल्कुल लो है,
और उसके अंदर अगर हम HDR के फीचर को ऑन करके फ़ोटो खींचेंगे तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल बेकार आएगी, काफ़ी डल इमेज आएगी, क्योंकि जैसे ही आपके कैमरा का अपर्चर बिल्कुल लो लेवल के अंदर फ़ोटो क्लिक करेगा तो वो पूरी फ़ोटो फ्रेंड्स बिल्कुल डल कलर्स के अंदर आएगी और देखने में काफ़ी अच्छी नहीं दिखेगी। और फ्रेंड्स एक और इसके अंदर ध्यान रखने की बात ये है कि कि HDR के अंदर हम सिर्फ स्टिल फोटोग्राफी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी अगर हम फोटो लेंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि HDR के अंदर कैमरा हमारा 3 फोटोज़ लेगा, तो फ्रेंड्स ये तीनों फोटोज़ थोड़े थोड़े गैप के अंदर होगी, टाइम के बिल्कुल कुछ मिली सेकेंड्स के गैप में होगी। अगर ऑब्जेक्ट मूविंग है तो फ्रेंड्स उसकी जो फाइनल इमेज आएगी वो इस तरह से बिल्कुल ब्लर इफेक्ट देगी और अच्छी नहीं आएगी, उसके अंदर जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो ब्लर्ड दिखाई देगा हमें। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर आप स्टिल फोटोग्राफी करने के इच्छुक हैं तो उसके अंदर HDR काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है। और फ्रेंड्स HDR को आप कभी भी फ्लैश के साथ यूज़ मत कीजिएगा, उसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो प्रोवाइड नहीं करवाएगा। ऐसा नहीं है कि हम HDR को फ्लैश के साथ यूज़ नहीं कर सकते, हम HDR के फंक्शन को फ्लैश के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स उस कंडीशन के अंदर हमारी जो फ़ोटो की क्वालिटी है वो काफ़ी डाउन हो जाएगी और फ़ोटो देखने में काफ़ी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो हमारा लेंस है उसके ऊपर फ्लैश लाइट है, LED फ्लैश है जो वो इफेक्ट डालेगा, और जैसे ही कैमरा अपना अपर्चर हाई या लो करेगा तो उसके अंदर फ्रेंड्स ये हमारा जो फ्लैश है ये एक ऑब्स्टेकल की तरह रहेगा और काफ़ी अच्छी फ़ोटो हमें नहीं मिल पाएगी। और कभी भी रात के टाइम में जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो HDR का यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम में लाइट का लेवल होता है काफ़ी लो, इस वजह से HDR की पिक्चर काफ़ी क्लियर नहीं आ पाएगी। अगर आप रात को फोटोग्राफी करते हैं तो आप नाइट मोड का यूज़ कर सकते हैं, स्पाई कैम का यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी फीचर होते हैं आपके कैमरा के अंदर, उनका यूज़ करके आप नाइट के अंदर काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक HDR का यूज़, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते, किन कंडीशन के अंदर हमें इन्हें अवॉइड करना है। अगर आप इन 2-3 पॉइंटों को अपने माइंड में रखेंगे फोटोग्राफी करते वक्त, तो फ्रेंड्स आपका कैमरा चाहे अच्छी क्वालिटी का है या अच्छी क्वालिटी का नहीं भी है, एवरेज कैमरा है, फिर भी फ्रेंड्स आप इन टिप्स को यूज़ करके काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी के अंदर लगा सकते हैं 4 चांद। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या आपका कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आप फ्यूचर में भी इस तरह की टेक्निकल वीडियोस देख पाएं बिना किसी रुकावट के। और जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो YouTube पर अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, इसलिए फ्रेंड्स आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।